गुड मॉर्निंग, मैं मुकेश सर, स्टर्लिंग स्कूल बारावां। बच्चों, क्लास यूकेजी मैथ है। पिछला वीडियो जो हमारा आप लोग के पास गया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था 1 से 100 तक 1 2, उसके बाद 1 से 10 तक स्पेलिंग और 2 का टेबल। ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आप लोग के पास भेजा था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसको पढ़े होंगे और याद किए होंगे। आज मेरा दूसरा वीडियो आप लोग के पास जा रहा है। मैंने आज यहाँ पर 3 का टेबल दिया है। 3 का टेबल आप लोग को आसानी से याद करना है तो आप लोग मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ये चीज़ आप लोग को कॉपी पे कम से कम 4 से 5 बार आप लोग लिखिएगा और उसको बढ़िया से याद करिएगा, कहीं पर किसी प्रकार से भूल ना होने पाए। बहुत आसान तरीका है, इसको अगर आप लोग कम से कम 5 से 7 बार आप लोग अगर रिपीट करेंगे ये तुरंत याद हो जाएगा। आगे मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाया हूँ आफ्टर नंबर, बाद की संख्या। आफ्टर नंबर बाद की संख्या, यहाँ पर 3 के बाद क्या आता है आप लोग जानते हैं। LKG में ये चीज़ आप लोग को बताया गया था, कम से कम आप लोग UKG में भी इसको पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा और याद करिएगा। आफ्टर नंबर होता है बाद की संख्या, 3 के बाद क्या आता है बच्चों, 4 आता है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो ये 7 यहाँ पे आप लोग लिखिए। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, यहाँ पे 10 लिखा गया। 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है, यहाँ पे आप लोग 13 लिख दीजिए। 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है, तो ये 15 लिख दिया गया। 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है। इस तरह से जितनी भी संख्याएं अगर होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22 दे दिया गया, कोई पूछ लिया आप लोग से 22 के बाद क्या आता है, या पूछ लिया आफ्टर नंबर 22 के बाद क्या आता है, क्या संख्या होती है, तो आप लोग यहाँ पे 23 बता सकते हैं। ये इसी तरह से आफ्टर नंबर मतलब बाद की संख्याएं आती रहती हैं। 3 के बाद 4, 6 के बाद 7, 9 के बाद 10, 12 के बाद 13, 14 के बाद 15, 18 के बाद 19, 22 के बाद 23। इसके आगे भी आप बढ़ते जा सकते हैं, जैसे 25 हुआ, 25 के बाद कौन सा आफ्टर नंबर संख्या आती है, 26 आप लोग बता सकते हैं। 30 के बाद क्या आता है, 31 बता सकते हैं। इस तरह से आप लोग को पूरी तैयारी करना है। तब तक मैं अपना फिर से वीडियो भेजूंगा। धन्यवाद।